हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकू चैंपियन स्पोर्ट्स गुरुजी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान के बीच में होने वाले T20 मैच की, जो कि पहला T20 आज होगा। तो फ्रेंड, थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गई और मैं यहाँ पर इसका वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, बट यहाँ पर कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर वीडियो बनाइए, और इसलिए मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना रहा हूँ। अभी बहुत टाइम है, 1 आवर्स का टाइम बहुत होता है। तो फ्रेंड, पहले बात करते हैं यहाँ पर अभी का जो मैच चल रहा है लाइव, मैं आपको उसकी थोड़ा हालात दिखा देता हूँ। फ्रेंड, बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कोर चल रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी मैं काफ़ी ऊपर जा सकता हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं 5,000 रैंक चल रही है, 6,66,000 टीम में, और यहाँ पर ये टीम मेरी थी, और अभी काफ़ी अच्छा यहाँ पर इस मैच में होना बाकी है। बस यहाँ पर होल्डर रन मार जाएगा, एंड अगर यहाँ पर चहल और यादव थोड़ा एक एक विकेट ले लेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर ग्रैंडिंग जीतना मेरे लिए काफ़ी आसान हो सकता है। फ्रेंड, 6,66,666 टीम में यहाँ पर ग्रैंडिंग भी जीती जा सकती है फ्रेंड, अगर यहाँ पर कुछ अच्छा मेरे लिए हुआ तो। फ्रेंड, टीम काफ़ी सोच समझ के बनाई थी फ्रेंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक झलक अपने ग्रुप की दिखा देता हूँ, जो मेरा पेड ग्रुप है। तो फ्रेंड, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने ग्रुप में ये टीम सेंड भी की है फ्रेंड अपने, जो मेरा यहाँ पर पेड ग्रुप है, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रहेगी फ्रेंड ये टीम जो मैंने सेंड की थी, एक मिनट फ्रेंड, आप ये देख सकते हो फ्रेंड, ग्रैंडली ये टीम 4 मेरी है, और यहाँ पर मैंने ग्रुप में आप लोगों के लिए सेंड भी की थी, जो मेरे यहाँ पर पेड ग्रुप मेंबर्स हैं उनके, मैं यहाँ पर टीम भी बनाता हूँ फ्रेंड यहाँ पर ग्रैंड लीग की एंड चाहे स्मॉल लीग की, और काफ़ी अच्छी टीम होती है फ्रेंड, और यहाँ पे आप लोग विन करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी मेरी रैंक चल रही है, और अगर आपको भी यहाँ पर अच्छे से विन करना है फ्रेंड, तो आप मेरे यहाँ पर प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज बहुत ही कम है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका चार्ज लिखा है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर 9165 9598 9 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी यहाँ पर पूरी हेल्प कर दूँगा फ्रेंड, और जैसे आपको रेट है उसको मैं आपको रेट को बता दूँगा। अभी देखिए फ्रेंड, और अच्छे मेरा रैंक हो गया, 4,000 हो गया, और काफ़ी अच्छा रैंक जाएगा आगे, अगर यहाँ पर मेरा सारा प्लेयर्स यहाँ पर अच्छे से खेलते हैं, और मैं यहाँ पर ग्रैंड लीग भी आसानी से विन हो सकता हूँ। तो फ्रेंड, और बात करें कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है, तो आप उसकी बात करते, तो फ्रेंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्लेइंग 11 अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में। तो फ्रेंड, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड, पाकिस्तान का प्लेइंग 11 होगा यहाँ पर बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, हुसैन तलत, सरफराज अहमद, आसिफ अली एंड सदाब खान, इमाद वसीम जो कि इंजरी से वापस आए हैं, फ़हीम अशरफ, हसन अली एंड साइंसा अफरीदी। तो फ्रेंड, यहाँ पर सोएम अली खेलते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनका पहला जो चाइल्ड है फ्रेंड, उनका जो पहला बेबी है फ्रेंड, उनका जन्म हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप वो इस मैच में नहीं खेल पाएंगे उनके इस लिए। तो फ्रेंड, आप सोएम अली को बिल्कुल भी मत लीजिएगा फ्रेंड अपनी टीम में। एंड ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें, तो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर फिंच होंगे, टीआरसी शॉट होंगे, क्रिस लिन होंगे, मैक्सवेल होंगे, मैकडरमॉट होंगे, करे होंगे एंड अष्टनगर होंगे, टे होंगे एंड यहाँ पर जैम्पा होंगे, कुल्टर नाइल होंगे एंड यहाँ पर स्टैन लेक होंगे। तो फ्रेंड, ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो फ्रेंड, जो टीम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको टीम दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, बात करते हैं पहले यहाँ पर विकेट कीपर ऑप्शन से। तो फ्रेंड, मैं आपको पूरा यहाँ पर टीम एडिट करके दिखा रहा हूँ। तो विकेट कीपर ऑप्शन है फ्रेंड, मैं यहाँ पर सरफराज अहमद के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर सरफराज अहमद काफ़ी ऊपर बैटिंग करने भी आता है, 4th नंबर पर या 3rd 5th नंबर पर बैटिंग करते आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर फॉर्म में भी है, पिछले मैच में टेस्ट में भी 100 किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अभी यहाँ पर फॉर्म में वापस आ गए सरफराज अहमद, तो यहाँ पर आपको सरफराज अहमद को लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, एज ए बैट्समैन की बात करें, तो एरन फिंच, क्रिस लिन, फ़खर जमान, बाबर आजम एंड डीआरसी शॉट। तो फ्रेंड, मैं इन पाँच बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर ग्लेन मैक्सी को रख सकते हो, काफ़ी अच्छे यहाँ पर बैट्समैन है। अगर आप यहाँ पर अज्यूम करते हो कि यहाँ पर आसिफ अली की बैटिंग आएगी, तो आप यहाँ पर आसिफ अली को रख सकते हो, बट आसिफ अली की बैटिंग आने का चांस कम है, और आप यहाँ पे मैकडरमॉट को रख सकते हो एंड इसका साहिब ज़्यादा फरहान का खेलने का चांस कम ही है। फ्रेंड, यहाँ पे ऑलराउंडर की बात करें, तो मोहम्मद हफीज़ को अपनी टीम में रख रहा हूँ, हुसैन तलत को अपनी टीम में रख रहा हूँ। फ्रेंड, काफ़ी अच्छे यहाँ पर बैट्समैन है एंड ऑलराउंडर है। आप चाहो तो यहाँ पे अष्टनगर को रख सकते हैं, मिशेल माल्स का खेलने का चांस कम रहेगा, एंड इमाद वसीम का भी खेलने का चांस बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड, आप यहाँ पर इमाद वसीम को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग की। तो फ्रेंड, यहाँ पे एज ए बॉलर की बात करते हो, यहाँ पे सताब खान, कुल्टर नाइल एंड बिली स्टैनलेक के साथ में जा रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास टाई को एडजस्ट करने के लिए मेरे पास पॉइंट नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं टाई को एडजस्ट नहीं करवा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे नेथन कुल्टर नाइल एंड बिली स्टैनलेक दोनों ही अच्छे यहाँ पर बॉलर्स हैं, एंड आप चाहो तो यहाँ पर जैम्बा को अपनी टीम में एडजस्ट कर सकते हैं, हसन अली को एडजस्ट कर सकते हैं, फ़हीम अशरफ को अपनी टीम में रख सकते हैं, साइंस आफरीदी को अपनी टीम में रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। उस्मान खान का फ्रेंड इस मैच में खेलने का चांस कम ही रहेगा, वकास मकसूद को अपनी टीम में, ये इनका भी खेलने का चांस फ्रेंड कम ही रहेगा। तो फ्रेंड, टीम
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरन फिंच को कैप्टन करूँगा, बाबर आजम को वाइस कैप्टन करूँगा, ये काफ़ी बेस्ट टीम है, आप इस टीम के साथ यहाँ पर खेलने के लिए उतर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। ओके फ्रेंड, बेस्ट लक।